नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेखा भार्गव हूँ। और कहा जाता है कि हर कोई पसंद करता है कि आयरन लेडी कहलाना या आयरन मैन कहलाना, कि भैया इसके तो खून में ना लोहा दौड़ता है। और होता क्या है, खून में लोहा दौड़े नहीं दौड़े, कोलेस्ट्रॉल जरूर दौड़ने लगता है, और वो हमारे को आगे जाकर के बहुत सारी परेशानियों का कारण बनता है। तो आइए, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रणवीर जी, आयुर्वेदाचार्य, उनसे सीखते हैं कि कैसे इस कोलेस्ट्रॉल से बचा जा सकता है। रणवीर जी, ओवर टू यू। थैंक यू दीदी। साथियों, कोलेस्ट्रॉल है क्या, पहले तो ये समझते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक फैट लाइक सब्सटेंस है, एक तरह का मोम तरह का सब्सटेंस है। अब होता क्या है कि ये कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर बनाता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल हमेशा बुरा नहीं होता है, ये कोलेस्ट्रॉल अगर ना बने तो बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। अब ये कोलेस्ट्रॉल करता क्या, पहले तो ये समझ लीजिए। कोलेस्ट्रॉल आपकी सेल मेम्ब्रेन को बनाने में काम आता है, यही कोलेस्ट्रॉल आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, यही कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी को बनाने में काम आता है, और यही कोलेस्ट्रॉल आपके तमाम तरह के हॉर्मोन्स को बनाने में काम आता है। अच्छी बात यह है कि ये कोलेस्ट्रॉल पानी में घुलता नहीं है। जब पानी में घुलता नहीं है तो अपने आप शरीर के अन्य अंगों में पहुंच भी नहीं सकता। बॉडी के जो और पार्ट्स हैं वहां पर ऑटोमेटिक ये नहीं पहुंचता। तो होता क्या है कि लाइपोप्रोटीन नाम का एक कण होता है जो इसको कैरी करके आपके बॉडी के अन्य पार्ट तक लेके जाता है। दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, आपने सुना होगा, एक होता है एलडीएल और दूसरा होता है एचडीएल। जो एलडीएल होता है वो हमें नुकसान पहुंचाता है, वो हमें तकलीफ पहुंचाता है। क्यों तकलीफ पहुंचाता है कि ये क्या करता है, ये हमारी धमनियों में जमना शुरू हो जाता है, और ये जमते 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 एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब हमारी धमनियों को ब्लॉक कर देता है, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट अटैक पड़ जाता है, या फिर ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना बनी रहती है। मैं कुछ सिम्टम्स की बात करूंगा। अगर देखिए सिम्टम्स आपको या आपके घर में किसी को हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सतर्क होने की जरूरत है। अगर आपके पैरों में सूजन आनी शुरू हो गई है, घर में आपके एल्डरली लोग हैं और उनके पैरों में अगर सूजन आनी शुरू हो गई है, तो निश्चित रूप से आपको कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक करा लेना चाहिए। इसके साथ साथ में पैरों का ठंडा होना, अगर पैर आपके दिखते हैं ठंडे पड़े रहते हैं हमेशा, इसके साथ साथ में पैरों का जो कलर है, वहां पर जो स्किन है उसमें छोटे छोटे से पिगमेंटेशन से आ रहे हैं, वहां की स्किन का कलर चेंज हो रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल को जरूर आपको चेक करा लेना चाहिए। पैरों में फाटन बनी रहती है, पैरों में दर्द बना रहता है, तो निश्चित रूप से कोलेस्ट्रॉल चेक कराने की जरूरत है। रात में सोते समय क्रैम्प्स अगर आ जाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक कराइए। मोशन आपके पतले होने शुरू हो जाएंगे, आपको जो स्टूल है वो टाइट नहीं रहेगा। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, आपको चलने पे सांस फूलना शुरू हो जाए, सीने में दर्द होना शुरू हो जाए, तो ये कोलेस्ट्रॉल के कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि अगर हो गया है तो क्या करें, क्या करें कि ये एलडीएल कम हो जाए और हमारा एचडीएल बढ़ जाए। एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल। ये गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये जहां कहीं भी कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उस कोलेस्ट्रॉल को वापस लीवर तक लेके आता है, और फिर ये मल मूत्र के रास्ते बाहर निकाल देता है। तो एलडीएल को कम करना है और एचडीएल को बढ़ाना है, क्या करना होगा, आइए बात करते हैं तीन प्रोडक्ट्स की। मोदी करके बहुत ही शानदार तीन प्रोडक्ट है, उनको अपने जीवन में जरूर शामिल कीजिए, अपने लाइफस्टाइल में जरूर लेके आइए, उनको अपने डाइट में लेके आइए। क्रिल आयल कैप्सूल बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल के लिए। एक कैप्सूल दिन में एक बार खाने के बाद अगर लेते हैं तो आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी बहुत तेजी से कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ में दूसरा प्रोडक्ट है गार्लिक, जैसा कि मैंने बताया खून को पतला करने में बहुत अच्छा काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने में बहुत अच्छा काम करता है, एचडीएल को बढ़ाता है, एलडीएल को कम करता है, और तीसरा प्रोडक्ट है हमारा आप कह सकते हैं विटामिन D3। विटामिन D3 आप शामिल करिए, अपने लाइफस्टाइल में शामिल कीजिए विटामिन D3। तो क्रिल ऑयल, इसके साथ साथ में गार्लिक, फिर विटामिन D3, और अगर आप डायबिटीज के पेशेंट भी हैं साथ में तो ग्लूको हेल्थ को लगा दीजिए। ये कॉम्बिनेशन देखेंगे आप तो डायबिटीज प्लस कोलेस्ट्रॉल दोनों को कंट्रोल करेगा। अगर डायबिटीज नहीं है तो ग्लूको हेल्थ को लगाने की जरूरत नहीं है, क्रिल ऑयल, गार्लिक और D3 ही पर्याप्त है। दीदी, मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा, मेरे फादर जिनकी एज इस समय 76 ईयर्स है और उनका वेट इस समय 109, 109 किलो उनका वजन है, 5 फुट 8 इंच उनकी हाइट है। अभी उनको कुछ समस्याएं शुरू हुई थी और मैं उनको लेकर काफी चिंतित था, और मैं कई डॉक्टरों के पास उनको लेके गया, तो सबसे पहले डॉक्टर्स ने यही कहा कि इतना वजन है और इतनी एज है, इनका हार्ट चेक करना होगा, इनका कोलेस्ट्रॉल चेक करना होगा। और टचवुड, भगवान की बड़ी कृपा है, पापा मेरे पिछले 7 सालों से ओमेगा 3 ले रहे हैं, कार्डियो एक्टिव ले रहे हैं, गार्लिक ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं। अभी उनके कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल की जो रीडिंग्स आई हैं वो बिल्कुल मेरी रीडिंग्स और मेरे पापा की रीडिंग्स बिल्कुल सेम है, इवन मेरी रीडिंग से भी अच्छी मेरे पापा की रीडिंग्स है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिल ऑयल कैप्सूल, कार्डियो एक्टिव एंड गार्लिक। थैंक यू दीदी। ओह फैंटास्टिक। पता है वो भी फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं, आप भी फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं, पर आपसे उनकी बेहतर इसलिए क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना, ये डिसिप्लिन्ड होते हैं,
ये कंसिस्टेंसी रखते हैं, हमें पता है हमारी टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे रखा है फूड सप्लीमेंट, पर वो खाना तो हमें ही पड़ेगा ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब फूड सप्लीमेंट की बात आती है कि हम डिसिप्लिन रहें, कंसिस्टेंसी रखें, लगातार लें। और बुजुर्ग लोग इसमें बहुत अच्छे होते हैं, वो बिल्कुल नियम से, जो लोग नियम से लेते हैं वो रिजल्ट है ना डेफिनेटली उनको मिलता है। बहुत बहुत बधाई हो डॉक्टर रणवीर आपको कि आपने अपने परिवार में कोलेस्ट्रॉल को मतलब नहीं रखा है, नहीं वेलकम किया हुआ है। बहुत बहुत बधाई दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। मैंने जब शुरू में लो मतलब है ना एलडीएल एचडीएल के बारे में सुना, मुझे याद ही नहीं रहता था एल अच्छा है कि एल एच अच्छा है, एल अच्छा है कि एल एच अच्छा है। फिर मैंने अपने आप से बोला कि एल मतलब लॉस, जो लॉस देता है वो अच्छा नहीं है। तो अब मुझे किसी भी हाल में एलडीएल को लो करना है, एलडीएल को लो करना है, एलडीएल को लो करना है, ऐसे करके मैंने अपने आप को याद दिलाया। और फिर फूड सप्लीमेंट आ गए तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, फूड सप्लीमेंट खाते जाओ, सब कुछ ऊपर वाला है ना जो कि डाइनिंग टेबल पे रख, उसने कुछ चीजें पहुंचाई है मोदी केयर ने, वो चीजें अपना ध्यान रख लेंगे। आइए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को जैसा कि मैं बताती हूँ फायदा हुआ है, पर काजल जैन जी हमारे साथ जुड़ी हैं। काजल जी ओवर टू यू, 30 सेकंड्स हैं आपके पास। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ काजल जैन फ्रॉम इटारसी, और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी एक आंटी है जिनकी एज 60 ईयर्स है और उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा था, तो उनको ना चलने में हाँ जैसे सांस फूलती है ना ऐसी वाली परेशानी हो रही थी, अपने जो डेली रूटीन के काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही थी। तो उनको मैंने 3 अपने सप्लीमेंट दिए थे, एक तो फ्लेक्स ऑयल दिया था और एक कार्डियो एक्टिव और एक गार्लिक पर्ल, ये 3 चीज मैंने उनको दी। और 10 दिन में ही उनको ये रिलीफ मिला कि उनकी सांस फूलना बंद हो गई थी और उनको अपने आप में रिलैक्स फील होने लगा था, बहुत अच्छा लगने लगा था, हल्कापन लगने लगा था। और फिर करीब 1-2 महीने बाद उन्होंने टेस्ट कराया तो उनका कोलेस्ट्रॉल भी कम आया और वो बहुत खुश हैं और बहुत ही मतलब सप्लीमेंट ले रही हैं और बहुत मतलब थैंकफुल है इसके लिए, मोदी केयर के लिए। थैंक यू। और वाकई में मोदी केयर इतने अच्छे सप्लीमेंट और इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स बना रहा है कि मैं भी बहुत बहुत ज्यादा थैंक्स कहना चाहती हूँ मोदी केयर को। और थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। राइट फ्रेंड्स, अमेजिंग। आइए सुनते हैं हरप्रीत जी को, जिन्हें बहुत फायदा हुआ है कोलेस्ट्रॉल में। हरप्रीत जी ओवर टू यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और मैं एक बिजनेसमैन हूं। और आप जानते हैं कि एक बिजनेसमैन की लाइफ बहुत हेक्टिक होती है, ना सोने का टाइम होता है ना खाने का टाइम होता है, और ज्यादातर हम बाहर खाते हैं। तो मेरा भी यही लाइफस्टाइल था जिसकी वजह से मेरा जो कोलेस्ट्रॉल है, जो मेरी लिपिड प्रोफाइल है, वो ठीक नहीं आ रही थी। और मैंने जब मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में सुना और मैंने इसको कंज्यूम किया तो अब मेरी लिपिड प्रोफाइल जो वो बेटर हो रही है, एलडीएल कम हो रहा है एंड आई एम फीलिंग मोर हेल्दी, क्योंकि मेरा हार्ट जो है वो हेल्दी हो रहा है और मुझे अच्छा फील हो रहा है, इम्यूनिटी इज बिकमिंग बेटर। मैंने क्या क्या यूज किया, मैंने गार्लिक पर्ल्स लिया, गार्लिक क्रिल ऑयल जो बताया डॉक्टर साहब ने वो लिया एंड फ्लेक्सीड ऑयल लिया, और इसके साथ रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है हमारी पूरी हार्ट केयर की रेंज है, बहुत ही फैंटास्टिक है। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि ये हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ये प्रोडक्ट्स को जरूर यूज कीजिए, यू विल फील वेरी गुड। थैंक यू मोदी केयर फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल प्रोडक्ट्स। थैंक यू वेरी मच।